ये पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी वी मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट एच. ठीक है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है. ये मान लिया प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, एम मास का पार्टिकल है, वी की स्पीड से फेंका गया है. कितने एंगल पे? 45 के एंगल पे फेंका गया है. और जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होता है, मैक्सिमम हाइट आपको दी है एच, मैक्सिमम हाइट पे होगा तो मास एम होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ही होगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट सिर्फ, और वो कितना होगा, वी कॉस 45, मतलब वी बाई रूट टू. और आपको इस ओरिजिन के अबाउट, इस ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए कह रहे हैं. तो अगर आपके पास डायग्राम होता है तो हम दो तरह के कंसेप्ट लगा सकते हैं, या तो हम लिखेंगे एम वी आर परपेंडिकुलर, या फिर हम लिखते हैं एम आर वी परपेंडिकुलर. अगर आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का ऑप्शन है तो आर परपेंडिकुलर देख लेते हैं, और अगर डिस्टेंस फिक्स है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालने का ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, तो हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी देख लेते हैं. यहाँ पे हम ये वाला तरीका यूज़ करेंगे क्योंकि ये आसान है. अगर मैं ये डॉटेड लाइन बनाता हूँ तो ये डॉटेड लाइन लाइन ऑफ मोशन है उस मोमेंट पे ये लाइन ऑफ मोशन है. और इस ओ से निकाल रहे हैं, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, इस ओ से निकाल रहे हैं तो ओ से हम उस पर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर. तो ये बनेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. लाइन ऑफ मोशन पे उस पॉइंट से हमने क्या डाला, परपेंडिकुलर. तो ये बनेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि किसके बराबर होगी, एच के बराबर. तो अब आपके पास मास भी है, आपके पास वेलोसिटी भी है, आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है. तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, एम वी बाई रूट टू इंटू एच. सो योर आंसर इज बी पार्ट.